देख लीजिए सामने का एटमोसफियर, देख लीजिए सामने आपको नमस्ते सर्कल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और यहीं से हमारी बस का जो है वो बोर्डिंग पॉइंट है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे न्यू वीडियो में। और आज मैं आप सभी के लिए एक और नया रूट, एक और नई बस और एक और नई बस जर्नी आप सभी के सामने पेश करने वाला हूँ। रिसेंटली बाबू ट्रैवल्स ने अपने बसेस के कलेक्शन में न्यू बस एड ऑन किया है, तो आज उस बस का इनॉग्रेशन है। अहमदाबाद से दिल्ली के रूट पर ये बस हमारी चलने वाली है और दिल्ली से अहमदाबाद, तो इस रूट पर इन्होंने न्यू बसेस को जो है वो लॉन्च किया है। करंट लोकेशन की बात करूँ तो मैं अभी खड़ा हूँ नमस्ते सर, और ये देख लीजिए यहाँ पर आपको बहुत सारी प्राइवेट बसेस की जो है वो आपको ऑफिस देखने के लिए मिलेगा, और साथ में हमारी बाबू ट्रैवल्स की ऑफिस भी यहाँ पे है नमस्ते सर्कल साई बाग के पास इनकी ऑफिस है। दोपहर के 4 बजे हमारी बस का टाइमिंग है, यहाँ नमस्ते सर्कल साई बाग से निकलती है, और देखते हैं कितना मे बी टिकट फेयर होता है, कौन से रूट से चलते हैं हम लोग, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। इस प्यारी सी बस का जो है इनोवेशन है, आज पहला दिन है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो आप सभी के लिए हम पेश करने वाले हैं आप सभी के सामने। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऐसे नहीं हमारी स्टाइल में। दिस इज अनूप और आप देख रहे हैं अनूप मुसाफर। आप सभी के लिए मैं एक और बस जर्नी पेश करने वाला हूँ आप सभी के सामने। देख लीजिए पीछे हमारी बस है, भारत बेंच की ये बस है बाबू ट्रैवल्स की, काफ़ी अच्छा लग रहा है। रेड कलर के कॉम्बिनेशन में इन्होंने जो बस लॉन्च की है ना अहमदाबाद से दिल्ली वाले रूट पे, काफ़ी प्रीमियम क्लास की जो ये बस लग रही है। अंदर से ये बस का जो इंटीरियर की बात करूँ तो ऑन बोर्ड जो है वो वॉशरूम देखने के लिए मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर है। देख लीजिए सामने का एटमोसफियर, देख लीजिए सामने आपको नमस्ते सर्कल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और यहीं से हमारी बस का जो है वो बोर्डिंग पॉइंट है। बस का जो है वो इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए इस बस को बोर्ड करते हैं। यहाँ अहमदाबाद से और यहाँ से दिल्ली के लिए निकलते हैं हम लोग, टाइमिंग भी हो चुका है यहाँ से हमारा निकलने का। तो दोस्तों देख लीजिए इस वाली प्यारी सी बस का जो है इंटीरियर, आगे आपको देख लीजिए हमारे शंकर भगवान विराजमान है, और ये रहे हमारे आज के कैप्टन सर। क्या नाम है सर आपका? नाम है करण सिंह। करण सिंह दिल्ली से अहमदाबाद अभी आई है और अहमदाबाद से दिल्ली के लिए निकलेगी। ओके, तो हमारा रूट क्या रहने वाला है बीच में आप कुछ बता सकते हो सर? आबू रोड होते हुए। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। सामने के साइड में मिरर और ये फ्रेशनर और ये देख लीजिए ये हो गया हमारा छोटा सा टब और ये हो गया वॉशरूम पूरा। लगा सर बस के अंदर का इंटीरियर आपको? बहुत बढ़िया इंटीरियर है। ओके, अरेंजमेंट है स्लीपर का। ओके, वो भी अच्छा है। ओके, हाँ मैं गणेश जोशी। ओके, और यहाँ पे अगर जो बस ऑपरेटर एसोसिएशन है उसका मैं चेयरमैन हूँ। ओके, थैंक यू सर। दोस्तों देख लीजिए इस वाली प्यारी सी बस का अंदर का इंटीरियर, देख लीजिए इस साइड में आपको सीटिंग एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 टोटल 8 सीट्स आपको यहाँ पे पुशबैक सीट्स देखने के लिए मिलेगा। सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ क्योंकि पैसेंजर जो है वो अभी ऑन बोर्ड है इसमें, तो थोड़े टाइमिंग के बाद मैं आपको इस इंटीरियर पूरा आपको एक बार विजिट करा दूंगा। देख लीजिए सामने के साइड में भी आपको एक सीट्स देखने के लिए मिल जाएगी, और ये हो गई हमारी 2x1 का कॉम्बिनेशन है इसमें स्लीपर का। क्या नाम है सर आपका? जितेश। जितेश, तो आप क्या मैनेजर? हाँ, कैसे मैनेजमेंट ही देखता हूँ मैं। ओके ओके, कस्टमर के लिए। ओके, वो देख लीजिए कस्टमर सपोर्ट टीम। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू।
तो दोस्तों इस वाली हमारी प्यारी सी बस को वेलकम करते हैं यहाँ अहमदाबाद से। और ये हमारी जो है इस बस का जो फर्स्ट रूट है, यहाँ अहमदाबाद से दिल्ली के लिए निकल रहे हैं हम लोग। और अभी जब रिसेंटली हमने क्रॉस किया नमस्ते सर्कल साई बाग के पास, हमारी बाबू ट्रैवल्स की जो ऑफिस थी वहाँ से हम निकल रहे हैं। और काफी अच्छा लगा इस बस का इंटीरियर। बात करूं अंदर के इंटीरियर की तो देख लीजिए, अभी हम लोग हैं वो डबल सोफा है। और देख लीजिए साइड में आपको ये एसी के विंग्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये हो गया हमारा लाइट्स, देन इसके बाद ये सेकंड एसी का बिंग। और यहाँ पे आपको लगेज वगैरह जो भी आपके पास छोटा मोटा हो वो, और देख लीजिए पीछे की साइड में ये बैक रेस्ट, हेड रेस्ट, और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग होल्डर और फोन होल्डर। और ये देख लीजिए साथ में आपको पिलो, और साइड में आपको कर्टन्स, और ये हो गया हमारा ब्लैंकेट। तो और प्राइवेसी के लिए देख लीजिए इसमें सटल भी है, अगर जो इन केस अगर जो आप कपल में ट्रैवल कर रहे हो तो प्राइवेसी के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इसमें पूरा पैक जो है वो आपको इंटीरियर इसमें मिलता है। इस वाली जो बस का जो इंटीरियर डेवलप किया है वो मरुधर ने डेवलप किया है, और काफ़ी अच्छा इंटीरियर बनाया है। और जो आपको मैंने बताया कि इस बस में आपको वॉशरूम जो है वो ऑन बोर्ड मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा लगा इंटीरियर इस वाली बस का। तो चलिए आपको भी कैसा लगा इस वाली बस का इंटीरियर तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितने भी इस बस के बोर्डिंग पॉइंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि अहमदाबाद में इस वाली बस में आप कहां कहां से बोर्डिंग कर सकते हो। तो ये है हमारा चांदखेड़ा का जो है वो ट्रैफिक, देख लीजिए भाई साहब पूरा जैम लगा है, कम से कम 1 से 2 किलोमीटर तक का जैम लगा होगा। ये देखो सिग्नल, ये भाई साहब लोगों का तो टाइम कब तक आएगा। देखो यहाँ पे बीच में एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। 6:18 और जस्ट अभी हमने क्रॉस किया अडालज, और अडालज के बाद ये हमारा पहला टोल गेट आने वाला है यहाँ पे। ये हम फर्स्ट टोल गेट क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से हम मेहसाणा के लिए निकलेंगे, कंटिन्यू हमारी जर्नी रहेगी। और देख लीजिए ये वाले रूट पे आपको ट्रैफिक जो है ना वो थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो है ना सारी गाड़ियाँ अंदर अहमदाबाद में एंटर करती सिटी के अंदर। बस काफ़ी अच्छी लग रही है बाहर से, देख लीजिए वो साइड में पूरी पिंक लाइट्स की कॉम्बिनेशन में, आगे बाबू ट्रैवल्स की बेजिंग देख लीजिए। और ये देख लीजिए हमारा ये ट्रैफिक जो, देखते हैं कब तक हटता है। और यहाँ से निकलेंगे हम लोग, अभी पीछे भी ट्रैफिक देखने के लिए मिला। देख लीजिए रात के 10:15 बाकी है, और अभी हम लोग पालनपुर एरोमा सर्कल जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। देख लीजिए यहाँ से गाड़ी थोड़ी बहुत लेट है क्योंकि इनोवेशन में टाइम थोड़ा गया था इस वजह से। चलिए अंदर चलते हैं। उसमें डोर है, रेस्ट होल्ड हमारा आने वाला है। यहाँ बस 20 से 25 मिनट रुकेगी। स्वच्छता बनाए रखने के लिए इस बस को वैक्यूम किया जाता है और साफ किया जाता है, इसलिए हमारा अनुरोध है कि कृपया बेडशीट को गंदा न करें और बस में कचरा या खाद्य रैपर न छोड़े। अभी हमारा रेस्ट होल्ड आने वाला है। आपको मैंने अनाउंसमेंट तो बताया कि हमारी बाबू ट्रेवल्स की जो बस है
उसमें किस टाइप से अनाउंसमेंट होता है, जो भी हमारा रेस्ट होल्ड आता है, कोई भी पिकअप पॉइंट आता है वो। तो काफ़ी अच्छा लगा, ये एक यूनिकनेस लगा हमको। AI जनरेटेड कुछ वॉइस है जो हमारे बोर्डिंग पॉइंट हो गया, हमारा रेस्ट होल्ड हो गया, तो ऐसे करके कुछ, मतलब इनका एक खुद का फीचर है। बस ने यहाँ पे होल्ड लिया है, 20 मिनट्स का यहाँ पे होल्ड है हमारा। रिसेंटली हमने क्रॉस किया आबू रोड क्रॉस करके, अभी हम राजस्थान में चल रहे हैं। देखते हैं, डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग हमने 250 किलोमीटर तक के अंडर की जो जर्नी है ना, वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ली है। ये हमारी जर्नी ऑलमोस्ट बहुत ही लंबी रहने वाली है, तो हमारे रेस्ट होल्ड भी बहुत आने वाले हैं इस ये वाले रूट पे। देख लीजिए, होटल के आसपास का थोड़ा एटमोसफियर काफ़ी अच्छा है, देख लीजिए। और प्रीमियम क्लास की थोड़ी होटल लग रही है। उस साइड पर देख लीजिए, होटल प्रतीक्षा करके है, और यहाँ पर कुछ, मतलब जो अपने पैसेंजर वगैरह जो भी रुकते हैं, ये होटल टाइप का है। और यहाँ पे खाने पीने की आगे के साइड में है, तो देख लीजिए काफ़ी अच्छा। और बहुत सारी प्राइवेट बसेस भी यहाँ पे लगी हुई है, देख लीजिए। तो हमारी बाबू ट्रैवल्स की ब्रांड न्यू भारत बेंच की बस, जो इसका फर्स्ट रूट है, देख लीजिए। आज हम कवरअप करने का मौका मिला है, तो हम पूरा आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। ये वाला हमने टोल अभी क्रॉस किया, जस्ट सिरोही के बाद ये पड़ता है, ये वाला टोल का। यहाँ से हमारी जर्नी जो है वो कंटिन्यू रहने वाली है, और नॉन स्टॉप हमारी गाड़ी यहाँ से चलने वाली है। अभी हमने रिसेंटली ब्रेक लिया था, 20 या 25 मिनट का हमारा होल्ड था वहाँ पे होटल पे, तो खाना वाना खाया वहाँ पे। अभी थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हैं, और सुबह में जो भी होता है, सुबह में आगे की जो जर्नी है वो हम आपको कंटिन्यू दिखाते हैं। 5-6 बजे के आसपास जो है यहाँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आएंगे, तो वहाँ का भी आपको जो है वो सीन आपको दिखाएंगे शूट करके इस वीडियो में। तो चलिए थोड़ा अभी रेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमारी गाड़ी जो है वो नॉन स्टॉप चलेगी, देखते हैं सुबह में हमारा कहाँ पे होल्ड आता है, फिर वहाँ से हम आपको ज्वाइन करते हैं। तो चलिए, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ जयपुर में। और अभी हमने रिसेंटली अभी जयपुर में यहाँ पे 10 मिनट का होल्ड लिया है, अभी हम पहुँचे हैं। और हमारी गाड़ी जो है वो थोड़ी देर से 1.5 घंटे के आसपास थोड़ी डीले चल रही है, क्योंकि ट्रैफिक हमको बीच में बहुत मिला था इसकी वजह से। और दोस्तों, लास्ट जो लोकेशन मैंने आपको दिखाया था, हमने सिरोही में हमारा होल्ड था, डिनर किया था वहाँ पर रात का, और उसके बाद हमारी गाड़ी जो है वो कंटिन्यू चली है। यहाँ पर अभी मॉर्निंग में हमारा थोड़ा यहाँ पर ब्रेक लिया है। और बात करूँ बीच में हमने क्या क्या क्रॉस किया, तो बीच में हमने क्रॉस किया सिरोही के बाद पाली, किशनगढ़ होते हुए हम यहाँ पे जयपुर आए हैं। और इसके बाद हमारा जो 1.5 या 1 घंटे लगेंगे यहाँ से हमको निकलने में, और यहाँ से हमारा चालू होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, थोड़ा वेट कीजिए। तो वो हम अभी क्या कवर करेंगे, देन अभी के साइड में देख लीजिए। करंट लोकेशन की बात करूँ तो देख लीजिए, अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे जयपुर जो मेट्रो स्टेशन, देख लीजिए सामने की साइड में मेट्रो जा रही भी है। और ये रही हमारी बाबू ट्रैवल्स की न्यू ब्रांड न्यू बसेस लगी हुई है। और सामने की साइड में आपको अपोजिट यहाँ से 100 मीटर पड़ेगा, वहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन मिल जाएगा जयपुर का। और देख लीजिए भाई साहब, आसपास का एटमोसफियर कुछ ऐसा है, देख लीजिए ये ई व्हीकल चल रही है, हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती है यहाँ लोकल में, तो कुछ ऐसा है। आगे के साइड में आपको वहाँ पे रेलवे स्टेशन, उसके बगल में पुलिस स्टेशन, और ये हो गया हमारा मेट्रो। तो चलिए यहाँ से हमारी बस कुछ देर में निकलेगी। तो देख लीजिए, यहाँ से एंटर करके हम एक प्यारी सी टर्नल जो देखते हैं कितने किलोमीटर तक की होती है। देख लीजिए, ये है हमारी राजस्थान परिवहन की बस, और अभी हम लोग चल रहे हैं नेशनल हाईवे NH-21 पे। और इसके बाद हमारा डोसा आएगा, डोसा के बाद हमारा जो है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आएगा।
तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। यहां से हमारी जर्नी रहने वाली है मे बी 240 किलोमीटर तक की। डायरेक्ट हम लोग गुड़गांव निकलेंगे और गुड़गांव के बाद हम लोग डायरेक्ट हमारा दिल्ली आएगा। यहां से 240 किलोमीटर दूर है तो देख लीजिए, यहां से भी थोड़ा कुछ बीच में अंदर कंस्ट्रक्शन में है। देख लीजिए ये ब्रिज वगैरह का काम है। ये आई थिंक मुझे आई गेस पता नहीं है कि ये कौन सा हाईवे जो है वो रेडी हो रहा है। देख लीजिए, बट यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा जो है वो काम यहाँ पे बीच में भटका पड़ा है। देख लीजिए वहाँ तक जो है ना वो जो रूट को है ना थोड़ा बंद करके रखा हुआ है इन्होंने। और यहाँ से देखो सारी गाड़ियाँ यहाँ से पासिंग हो रही है, यहाँ से होके डायरेक्ट अपने अपने। तो देख लीजिए इस टाइप से कुछ यहाँ पे थोड़ा बीच में ब्रेक है। अभी जस्ट बीच में हमारा ये होल्ड है, देख लीजिए यहाँ पे जो रेस्ट होल्ड है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। देख लीजिए और यहाँ से जो है ना पूरा जो है वो पार्किंग स्पेस है फोर व्हील। और इधर साइड में देख लीजिए हमारी बसेस लगी हुई है, यहाँ पे उस साइड भी बसेस लगी हुई है। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे जो है वो रेस्ट होल्ड बनाया गया है। देख लीजिए पार्किंग की सुविधा, और इस साइड में भी आई थिंक रेडी हो रहा है। अभी देखो उस साइड में आगे काम कंस्ट्रक्शन का चालू है। तो काफ़ी बड़ा स्पेस है जहाँ पर हमारा होल्ड हुआ है। तो चलते हैं थोड़ा, यहाँ पे मॉर्निंग है तो थोड़ा फ्रेश अप वगैरह होते हैं, देन यहाँ से थोड़ा चाय वाय पीने के बाद जे यहाँ पे हमने होल्ड लिया है अपना, और यहाँ अंदर चलते हैं थोड़ा चाय वाय पीते हैं, देन इसके बाद यहाँ से आगे की जर्नी जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। स्टॉप है मॉर्निंग का, हाँ सो देख लीजिए हम मंगाइए चाय, दो चाय सामने की साइड में पार्क। तो मॉर्निंग का टाइम है तो इसके लिए चाय अच्छा है। देख लीजिए कुछ ऐसा यहाँ पे स्पेस है, फटाफट से हमारे जो चाय है वो फिनिश करते हैं और बस हमारी यहाँ से जाने के लिए रेडी। चाय हुआ यहाँ पे हमने पिया और काफ़ी अच्छी लगी, कुल्हड़ चाय हमने पी यहाँ से। और देख लीजिए अभी हमारी बस जो है ना यहाँ से निकल रही है। सो दोस्तों अभी हमने जो है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का एग्जिट किया है। अभी हम एंटर कर रहे हैं गुड़गांव में, गुड़गांव, और यहाँ से हम लोग गुड़गांव सिटी के अंदर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। देखते हैं हमारी बस कहाँ से होके निकलती है गुड़गांव में दिल्ली के लिए। और बात करूँ डिस्टेंस की तो ऑलमोस्ट हमने अभी जो है वो 15 घंटे की जो जर्नी है वो हमने कंप्लीट कर ली है। मे बी डिस्टेंस की बात करूँ तो 910 किलोमीटर के आसपास का जो डिस्टेंस है वो हमने कवरअप कर लिया है 16 घंटे के अंदर में। और थोड़ी सी गाड़ी जो है वो हमारी डीले चल रही है क्योंकि बीच में हमको बहुत सारा ट्रैफिक मिला था सिटी के अंदर, इसकी वजह से वहाँ अहमदाबाद में भी थोड़ी हमारी गाड़ी डीले हो गई थी। तो इसकी वजह से थोड़ा जो है वो डिस्टेंस का थोड़ा मतलब टाइमिंग का जो है वो थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हुआ है, तो कोई बात नहीं। और ये वैसे भी इस वाली बस का जो है वो न्यू रूट है, और ये वाली बस जो है वो रेगुलर बेसिस पे अभी अप डाउन होगी यहाँ अहमदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से अहमदाबाद के लिए। दो बसेस बाबू ट्रैवल्स ने यहाँ से लॉन्च किया है अहमदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से अहमदाबाद इस वाली रूट पे। तो काफ़ी अच्छा रूट रहने वाला, एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो व्यू था वो भी मैंने आपको दिखाया, केबिन राइड्स वगैरह और कितनी की स्पीड से हमारी जो बस है वो चल रही थी, तो काफ़ी अच्छा लगा। चलिए चलते हैं, आई होप आपको जर्नी में थोड़ा मज़ा आ रहा होगा। आगे अभी थोड़ी हमारी जर्नी रहने वाली है, मे बी 100 किलोमीटर के अराउंड हमारी जर्नी अभी यहाँ से बाकी है। देखते हैं कब तक हम लोग दिल्ली पहुँचते हैं। यहाँ से हम एंटर लेंगे भारत की राजधानी हमारी दिल्ली में, यहाँ से हम एंटर करेंगे, ये वाला टोल प्लाजा हम क्रॉस करेंगे तो दिल्ली में एंटर करेंगे यहाँ से। तो चलिए यहाँ से हम वेलकम करते हैं आप सभी का हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में। देख लीजिए अभी भी हमारा जो ये ट्रैफिक में है ना हम अभी भी फंसे हुए, 20 मिनट से ऊपर हो गया। देख लीजिए
और करंट लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आगे की साइड में यहाँ पे दिल्ली जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट है। और देख लीजिए कुछ ऐसा है, और रस देख लीजिए आगे पूरा ट्रैफिक लगा हुआ भाई साहब। देखो कब तक क्लियर होगा, उस साइड का देखो क्लियर हो चुका है, गाड़ियाँ फटाफट निकल गई, बट इधर अभी हम फंसे हुए हैं। वाओ बस तो फुहारे निकल रहे हैं। तो देख लीजिए अभी हम क्रॉस कर रहे हैं ढोला कुआं। ये अच्छा लगा जो फुहारा हर जगह पे निकल रहे हैं। यहाँ पे यहाँ से इंडिया गेट भी जाने के लिए, आपको यहाँ से अगर जो इंडिया गेट विजिट करने जाना चाहते हो तो यहाँ से जाने के लिए है राइट साइड में, और यहाँ से हम निकलेंगे डायरेक्ट अपने करोल बाग के लिए जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है। और देख लीजिए यहाँ से इंडिया गेट के लिए जाते हैं। बापू ट्रैवल्स की ऑफिस यहाँ पे है, और देख लीजिए करंट लोकेशन की बात करूँ तो अभी हम लोग मोरी गेट पे हैं। फाइनली दोस्तों ये वाली जर्नी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अभी हम लोग हैं कश्मीरी गेट के पास में, और यहाँ पे हमारी जर्नी जो है वो ख़त्म होती है। 1000 किलोमीटर तक की जर्नी जो है वो हमने कंप्लीट की है। मे बी हम लोग 1.5 से 2 घंटे के आसपास थोड़ा लेट है, वो मैंने आपको दिखा है इस वीडियो में कि ट्रैफिक की वजह से हमको थोड़ा यहाँ पे डिले हुआ है। और बात करूँ बाबू ट्रैवल्स के साथ में जर्नी करके तो सच में बहुत ही मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी अंदर की सीट्स वगैरह भी जो है वो कंफर्टेबल सीट्स वगैरह भी है, तो काफ़ी मज़ा आया। और नाइट्स में भी काफ़ी अच्छा, रेस्ट में भी काफ़ी मज़ा आया, तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई वैसे ये बस में पूरी न्यू वाली। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और न्यू जर्नी के साथ, एक और नया रूट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।